हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपना जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी मींस अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड हमने हाफ पेज पे हमने डिफरेंस बताने अपने अल्टरनेटिंग करंट के, हाफ उसके सामने वाला हाफ पार्ट है वो बताएगा डीसी के। ठीक है, बीच में हमने क्या लगा दी लाइन, जैसे एज यूजुअली हम करते ही आए हैं स्कूल टाइम से। ठीक है, पहला पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपके तो एग्जाम पॉइंट व्यू से के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है, वेव फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग इनको दोनों को अलग अलग देखना है कि दोनों के वेव फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, उसको लिखेंगे कैसे, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। द फ्लो ऑफ करंट चेंज इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, वो क्या कहते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिव वोल्टेज है, कोई भी क्वांटिटी है ना अल्टरनेटिंग एसी में, क्या करता है करंट का ही लेते हैं एग्जांपल यहाँ पे, वो कहते हैं कि अपना फ्लो ना करंट एक अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। पीरियड कौन है, पाई है, यानी कि 180 डिग्री साइकिल के बाद क्या कर रहा है, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज करिए एक पीरियडिक टाइम के बाद। यहाँ ने देखना हाई, जब ये मैक्सिमम पीक पे था ना अपने 90 डिग्री पे, ये फिर भी क्या हो रहा है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और डायरेक्शन यहाँ पे तो बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाते हैं इस पीरियड के बाद। तो डीसी के केस में क्या कहता है कि द फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज पीरियडिकली, इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, गोट इट, ये पॉइंट आई थिंक सो समझ आ गया होगा, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, कभी भी नेगेटिव साइकिल में नहीं जाएगा, यहाँ पे ये जाता है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या करते हैं, नेगेटिव हाफ में भी अपना क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव कंप्लीट करते हैं, दो हाफ साइकिल्स में अपना कंप्लीट एक पीरियड टाइम, अपना एक कंप्लीट साइकिल में दो टाइम पीरियड आते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ। जीरो से लेके पाई रेडियन मींस 180 डिग्री का तो क्या रहता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल रहता है इसका, और 180 से लेके 360 तक क्या करती है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, नेगेटिव में अपनी अपोजिट हो जाती है एज पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था वो चीज़ है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, वो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़, अब 50 60 और लिखा है मैंने, 50 भी होती है 60 भी होती है। अब देखिए जो हमारा इंडियन सिस्टम है ना स्टैंडर्ड, उसमें हम 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को ओबे फॉलो करते हैं, इस रूल को हम कौन सी यूज़ करते हैं, अपनी एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कितनी रहती है 50 हर्ट्ज़। लेकिन जो है यूएसए और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये वाला नियम लागू किया, ये वाला फॉलो किया जाता है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी रख जाती है एसी की 60 हर्ट्ज़, बस ये डिफरेंस और कोई डिफरेंस नहीं, कंट्री वाइज इसको अडॉप्ट किया हुआ है। सेकेंड क्या कहते हैं, डीसी हैज़ जीरो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो कैसे हो, क्योंकि उसने कभी कोई उसमें पीरियड तो चेंज किया नहीं ना, कितने एक टाइम पे मान लो कि एक सेकंड में वो कितनी बार उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, ऊपर नीचे आगे पीछे कितनी बार हुई, कितनी बार भी नहीं, फ्लो कर रहा है स्टेडी स्मूथली, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, कभी आगे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, कंटिन्यू घूम रहा है। मतलब इसमें अगर जनरेशन पिछली वीडियो में देख लें आप, तो डायरेक्शन तो कहीं भी चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में अपना ये सर्कुलर घूमे जा रही है कोयल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा पॉइंट देखते हैं, द रोटेशन ऑफ कोयल और मैग्नेट जनरेटेड एसी। एसी हमें पता है कैसे जनरेट होती है, या तो हम कोयल को रोटेट कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक रखते हैं, दूसरा या मैग्नेट को हम घुमा लेते हैं, कोयल को स्टैटिक रख लेते हैं, दोनों तरीके से हम अपनी एसी जनरेट करा सकते हैं। और एक्सटर्नल जो सर्किट है इसका, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एसी जनरेट होती है। अब पॉइंट आता है तीसरा डीसी के केस में, अब बच्चे कन्फ्यूज यहाँ थोड़ा सा हो सकते हैं कि डीसी तो हमें डायरेक्ट बैटरी से ही मिलती है, उसको जनरेट कराने की क्या जरूरत, सिर्फ केमिकल यूज़ करो जो बैटरी में डलता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर डाइल्यूटेड मींस, और उससे हम जनरेट करा लेते हैं अपनी डीसी। तो डीसी बैटरी में सेल है आपका, उसमें सेल के जो केमिकल है उसी से हमारे इक्विपमेंट्स हम जिस भी एप्लीकेशन में यूज़ करें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम डीसी को जनरेट भी करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डीसी को जनरेट, डीसी जनरेटर्स भी होते हैं, ये अभी आपने पढ़ा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं अभी आया है, तो इसलिए डीसी को जब हम जनरेट कराते हैं ना, सेम फंडामेंटल है, डीसी जनरेट भी हमारी इसी तरह से होते हैं, तो हम कोयल को घुमा लें या मैग्नेट्स को घुमा लें, घुमाएंगे, लेकिन सिर्फ एक एक्सटर्नल सर्किट में हम चेंज करते हैं एसी और डीसी के केस में। जब हम एसी जनरेट कराते हैं तो सर्किट थोड़ा डिफरेंट होता है, यहाँ पे हम स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम स्प्लिट रिंग्स, मतलब स्प्लिट में बीच से टूटे हुए रिंग्स यूज़ करते हैं, स्प्लिट हुए दो हिस्सों में बटे हुए रिंग्स, उसी सर्किट को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। यहाँ पे एक ये डिवाइस जो है ना, कम्यूटेटर जो नाम है, यही रिस्पॉन्सिबल है डीसी की जनरेशन के लिए, बाकी सर्किट में कोई भी डिफरेंस नहीं है एसी और डीसी के। अगर आप जनरेटर देखें ना, एसी जनरेटर और डीसी पूरा सर्किट एक जैसा है, सिर्फ थोड़ा सा जाके एक्सटर्नल सर्किट में जो चेंजेस है ना वो है कम्यूटेटर के, इसमें कम्यूटेटर नहीं होता, इसमें कम्यूटेटर यूज़ होते हैं, यानी कि स्प्लिट जो रिंग्स है उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, द एसी कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विद मिनिमम पावर लॉसेस लाइक वन सिटी टू अनदर सिटी, यानी कि एसी को हमें दूर दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं,
ट्रांसमिशन कर सकते हैं ना, आती है ना हमारे पास। देखो अगर हमारा थर्मल प्लांट जिस भी शहर में आप जहाँ भी आसपास आपके मेन बड़ा पावर हाउस ही ले लें, ऐसा तो नहीं हर एक सिटी में तो होता है, गांव में बिल्कुल भी नहीं होते। हर जगह के पावर हाउसेस मतलब आपके 10 15 20 किलोमीटर दूर ही मिलेगा कहीं ना कहीं, अपने जिस भी डिस्टेंस जहाँ पे भी आप रहते हैं पावर हाउसेस। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, ट्रांसफॉर्मर के थ्रू एसी आराम से विदाउट मतलब विद मिनिमम पावर लॉसेस हम इसको क्या करा सकते हैं, ट्रांसमिट करा सकते हैं। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ ये बात कि लॉसेस क्यों नहीं होते, क्योंकि एसी में देखिए आप हर बार जो वेव फॉर्म है ना एक कंप्लीट साइकिल में, यानी कि 360 डिग्री तक या 2 पाई तक, ये क्या हो रहा है, दो बार जीरो को क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे भी। तो ये हर बार क्या हो रही है, वायर आपकी क्या हो जाती है, गर्म नहीं होती इतनी, ठंडी हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है। इसलिए वहाँ पे जितने मर्जी साइकिल्स हों वायर पे कोई गर्माहट नहीं आ पाती। तो इसलिए हम इसको आराम से ट्रांसमिट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। यार डीसी के केस में देखिए कंटिन्यू घूम रहा है तो यहाँ पे वायर इतनी गर्म हो जाती है कि इसमें हीट लॉसेज, एनर्जी के जो हीट फॉर्म में लॉसेज है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए डीसी को हम क्या है पॉइंट, डीसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस पे कभी भी ट्रांसमिट नहीं करा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब लास्ट पॉइंट है, अब कोई पूछे कि एसी की कितनी सारी एप्लीकेशन है, डीसी की कितनी है, 99% ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एप्लीकेशन है वहाँ पे हमारी एसी यूज होती है। 1% जो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन है ना, इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डीसी, जो कि बेस्ट डीसी पे बेस्ड है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि 99% हमारी एसी यूज़ होती है, तो 1% हम डीसी को यूज़ करते हैं, डीसी हमारी यूज़ होती है, उसको जनरेट कराएं या हम उसको बैटरी से लें, सेल से लें, जिस जैसे मर्जी लें, हम एसी का मैक्सिमम यूज़ हमारा एसी का। फिर हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे भी 1% के लिए भी हमारे पास एक इतनी अच्छी डिवाइसेस हैं कि हम इसी एसी को अपने डीसी में भी कन्वर्ट करते हैं। अब एसी सर्किट सभी पढ़ रहे हैं ना, तो एक डिवाइस आती है रेक्टिफायर, जो क्या काम करती है, इसी एसी को डीसी में चेंज कर सकती है। अब छोटा सा एग्जांपल ना, आप अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर का ले लें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी सेल से उसको रिचार्ज कर रहे हो लगाते हो, तो आप एसी की सॉकेट में ही है ना उसको, अपने अडॉप्टर को, अडॉप्टर के सर्किट में एक ट्रांसफार्मर होता है, फिर डायोड लगे होते हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रेक्टिफायर, फिर आगे फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर मीन्स आपके इंडक्टर यानी कि जो आप पढ़ के आ चुके हो, और कैपेसिटर और रजिस्टर, ये मिला के आपका क्या बनता है, मेनली इंडक्टर और कैपेसिटर से बनता है फिल्टर। फिल्टर क्या करते हैं, जो थोड़े बहुत रिपल होते हैं ना डीसी के, उनको भी रिमूव कर देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत, जो रिपल का मतलब क्या होता है, वेव्स ऐसी थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसी हमें डीसी मिलती है, लेकिन ये नहीं है कि स्मूथ लाइन मिलेगी। इस स्मूथ लाइन तक आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हम क्या करेंगे, इस एसी को लेंगे हम अपने मेन ट्रांसफार्मर से घर तक आगे, मेन सॉकेट तक आपकी, फिर आपने अपने अडॉप्टर को जहाँ पे उस पर इंसर्ट करेंगे ना, अडॉप्टर के अंदर के कौन सा सर्किट है, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो इस 220 या 230 वोल्ट को अपने डिजायर्ड मिनिमम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, एक जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपकी बेसिक नॉलेज, जब तक आपको इन चीज़ों की नहीं होगी ना, बड़ी बड़ी बातें आप वाइवा में अटक जाते हैं बच्चे, वो बता नहीं पाते हैं, टीचर तो कंफ्यूज करता ही करता है बच्चे को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको अडॉप्टर का अपना पूरा सर्किट समझना है, तो वो ये है कि ये ऐसे आपकी कौन सी है, ट्रांसफार्मर से घर के सॉकेट तक, फिर आपके अडॉप्टर लगा दिया। अडॉप्टर में ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट को आपके 12 या 9 वोल्ट जितने भी आपके रिक्वायरमेंट है ना मोबाइल की, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोस्टली 9 या 6 वोल्ट की बैटरी ही लगी होती है उसमें, आपके को रिक्वायर्ड होते हैं चार्जिंग के लिए, मोबाइल फ़ोन के बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इतनी वोल्टेज की जरूरत होती है। तो उसको कितने 220 से कितने पे ले आएगा, 9 वोल्ट पे ले आएगा। 9 वोल्ट के बाद एक रेक्टिफायर लगा जो क्या करेगा, इस एसी को ना पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देगा। पल्स मीन एसी रहेगी, वो पॉजिटिव हाफ में एसी पल्सेस चलेंगी, ठीक है। अब उस पल्सेटिंग डीसी को हमें तो एसी वाली चाहिए ना स्मूथ, बिल्कुल 6 वोल्ट अपने 9 वोल्ट जितने भी हमारे रिक्वायर्ड है, तो उस लेवल तक लाने के लिए उन पल्सेस को हम छानते हैं, रिपल को क्या करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन कौन करता है, आपका इंडक्टर करता है और आपका कैपेसिटर करता है, दो पैसिव डिवाइसेस हैं जो कि बेस्ट फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। उसके बाद हमें उनकी जो आउटपुट है वो हमारे अडॉप्टर से, हमारी जो पिन है ना जो उसको हम अपने मोबाइल में इंसर्ट करते हैं, उस पर हमें जो मिलते हैं ना इस तरह की डिजायर्ड 9 वोल्ट विदाउट पल्सिस, किसी भी तरह के उसमें डीसी पल्स रिपल नहीं होते, वो डीसी हमें मिलती है। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक में फटाफट से अपने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना इस चैप्टर की वो करेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से अपना ये सिलेबस ये भी कंप्लीट होने वाला है, बस एक आध चैप्टर बचता है। थैंक यू वेरी मच।